please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, पहला कदम सीजन 3 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हर्षदा सावंत। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में इन दिनों हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में सीधे निवेश की। किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते वक्त उस कंपनी की बैलेंस शीट का एनालिसिस कितना अहम है और उसमें कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनका विश्लेषण करना बेहद ज़रूरी है, आज इसी पर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ इस एपिसोड में बतौर एक्सपर्ट शामिल हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के MD और CEO अरुण ठुकराल और CNBC आवाज के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनिल सिंघवी। आप दोनों का ही स्वागत है। आजकल वैसे शेयर बाज़ार जिस तरह से ऊंचाई छू रहा है, हर कोई इस बाज़ार में पार्टिसिपेट करना चाहता है और ख़ासकर स्टॉक्स खरीदने की तो आदत सभी को लग गई है। नॉर्मली स्टॉक्स या तो किसी के रिकमेंडेशन पे खरीदे जाते हैं या फिर वर्ड ऑफ माउथ लोग सुनते हैं कि मेरे दोस्त ने खरीदा तो मैं ले लेता हूं, लेकिन उसके आगे लोग समझते नहीं है कि उस कंपनी की एनालिसिस कैसे हो, कि आगे का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। उसमें शायद बैलेंस शीट एक पूरा लेखा जोखा होती है जहां पर समझ में आता है कि कंपनी की एक्चुअल वित्तीय स्थिति एक पर्टिकुलर दिन पर कैसी है। तो इसको कितना तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि शायद हमारे जैसे अकाउंट्स के छात्र इसे पहले किताबों में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक निवेशक के तौर पर ठुकराल साहब, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? आपने सही कहा कि शेयर तो सब खरीद लेते हैं, कोई भी बोलता है, लेकिन किसी भी कंपनी की हेल्थ देखने के लिए उसकी बैलेंस शीट देखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस शीट जो होती है वो साल में एक बार बनती है और मोस्टली जैसे 31 मार्च को हम यहाँ पर बोलते हैं अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, और बैलेंस शीट जो है वो कंपनी की हेल्थ बताती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये होता है कि ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। जैसे आपका जो रेवेन्यू अकाउंट है, रिसीट अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस है, वो तो फॉर द पीरियड होता है, बट बैलेंस शीट एक डेट को इसलिए बनाई जाती है कि जो उस दिन एट द एंड ऑफ दैट डे जो कंपनी की हालत है, उसकी क्या सारी एसेट्स हैं, उसकी कितनी सारी लाइबिलिटीज़ हैं और फाइनली उसका क्या प्रॉफिट है, वो देखने के लिए, हेल्थ देखने के लिए। सपोज किसी कंपनी ने बोरोइंग की पहले 200 करोड़ की, लेकिन वो बीच में पे कर दी 50 करोड़, तो उस पर्टिकुलर डेट को तो 150 करोड़ ही बाकी है, तो उस डेट का इम्पोर्टेंस इसीलिए ज़्यादा है। और उसमें बहुत सारे आइटम होते हैं और बहुत सारी रेशोज होती हैं जो इस बैलेंस शीट से फिर हम निकलती हैं, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। आप एक कंपनी की बैलेंस शीट देख के बता सकते हैं कि ये कंपनी की हालत क्या है, उसकी एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक आपको फर्स्ट बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है, उसके बाद फिर आप उसके डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में जाके उसका एनालिसिस करते हैं। लेकिन अनिल, बैलेंस शीट पढ़ना आसान बात नहीं, और ऐसे इसमें जैसे PNL में आपको फाइनली एक पंच लाइन मिल जाती है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, राइट, वैसी पंच लाइन बैलेंस शीट में नहीं मिलती, कोई आहा मोमेंट नहीं होता है। यहाँ पर हर चीज़ को आपने बारीकी से पढ़ना है, और जैसे ठुकराल साहब भी कह रहे थे, बैलेंस करना होता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ को। वो निवेशक को समझना क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, पहली बात तो ये बहुत साफ है कि ये एपिसोड देखकर सुनकर आप बैलेंस शीट के एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भूल जाइए। क्योंकि मैं CACS करने के बाद, मुझे 25 साल हो गए, अभी भी मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बैलेंस शीट को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, और हर बैलेंस शीट दूसरी बैलेंस शीट से अलग होती है, है ना। तो बैलेंस शीट में एक्सपर्ट बनना तो बहुत 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 आगे की बात है। लेकिन जहाँ तक आज के एपिसोड का सवाल है हर्षदा, ये ज़रूर हम करने की कोशिश करेंगे कि बेसिक क्या है बैलेंस शीट के, वो लोगों को समझ में आ जाए। अब ये बात सही है कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस से कंपेयर करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज़्यादा आसान है, क्योंकि एंड ऑफ डे उसमें प्रॉफिट या कम या ज़्यादा करने की कोशिश हो सकती है थोड़े से एक दो आइटम में, लेकिन बैलेंस शीट में हर आइटम दूसरे आइटम से अलग है और ऐसी सिचुएशन में आपको पूरी की पूरी बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को बहुत गौर से, ध्यान से देखना होता है। उसके बाद आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि इस कंपनी की सिचुएशन क्या है। फर्ज करें जैसे आप और हम अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, हमारी बैलेंस शीट में क्या होगा, हमारी बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट्स होंगी कि या तो हमारा बैंक में पैसा पड़ा है या फिर हमारे प्रॉपर्टी हैं या कुछ ज्वेलरी वूलरी है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं। दूसरी तरफ अगर हमें किसी को पैसा देना वगैरह है तो वो हो सकता है, जो लोन है, जो लोन वगैरह है, तो ये हमारी बैलेंस शीट जनरली बन जाती है। लेकिन कंपनियों की बैलेंस शीट इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कंपनी हमारी तरह से एक तरह से जीवित पर्सन नहीं है,
है ना, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी के लिए बैलेंस शीट दोनों तरफ बराबर होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना बैलेंस शीट टैली हुई कि नहीं, हुई कि नहीं, हाँ, तो टैली नहीं हुई मतलब मामला गड़बड़ है। तो एक पर्टिकुलर डेट पे आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट को दो पार्ट में रखा जाता है, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज है और राइट साइड में एसेट्स हैं। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों आपकी मैच होना जरूरी है, इवेंचुअली मैच होना जरूरी है। अच्छा, तो लाइबिलिटी के साथ शुरुआत करते हैं और फिर एसेट्स पे आएंगे, इसको ब्रेकअप करेंगे। तो पहला हमारा जो लेफ्ट हैंड का कॉलम है उसे भरना शुरू करते हैं। तो शुरुआत नॉर्मली इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ लोग करते हैं। जब कोई शेयर खरीदता ये नहीं सोचता कि इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या और इसको कैसे क्लोजली देखना चाहिए। हालांकि जब कंपनियां फंड आगे रेस करने के लिए आती है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती हैं तो हम भी बातचीत में कहते हैं कि एक्विटी डाइल्यूट तो नहीं हो रही है। अब इसको बेसिक से समझा जाए तो एक्विटी शेयर कैपिटल को कैसे ब्रेक डाउन करें और साथ ही एक आम निवेशक के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि कितना एक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी के हाथ। जैसे कि आपने बोला कि एक्विटी शेयर कैपिटल इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर बाहर से आप देखें कि अगर बहुत बड़ा कैपिटल है और बहुत छोटा कैपिटल है और उस पर जो रिटर्न है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छोटे कैपिटल पे ज़्यादा रिटर्न आ रही है तो पर शेयर आपका जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कंपनी की कैपिटल का साइज़ जान ले। और उसके काफ़ी सारे हिस्से हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी को ये परमिशन लेनी पड़ती है कि कितना कैपिटल वो इशू कर सकती है। लेट्स से 100 करोड़ हम मान लेते हैं कि एक कंपनी कह रही है कि हमारा 100 करोड़ का ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। उसके बाद में कंपनी डिसाइड करती है कि अभी हमें 100 करोड़ नहीं चाहिए, अभी हमें 90 करोड़ चाहिए। तो 90 करोड़ जो है वो हो जाती है फिर इशूड कैपिटल। अब वो चाहते हैं कि 90 करोड़ इशू करना, लेकिन जब वो देखते हैं बाहर तो सब्सक्राइबर जो है वो 80 के अवेलेबल हैं, तो 80 उनको मिल रहे हैं 80 करोड़। तो अगर उसको मैं जानबूझ के अलग अलग कर रहा हूँ, ये सब सेम भी हो सकता है ऑथोराइज इशूड और सब्सक्राइब। तो लेट्स से 80 करोड़ के सब्सक्राइबर अवेलेबल है, तो सब्सक्राइब कैपिटल होगी 80 करोड़। और वो अगर 10 रुपये का शेयर है और वो शुरू में बोलते हैं कि अभी हमें आप 5 रुपये दीजिए, तो 5 रुपया पेड अप वैल्यू हो गया उस शेयर का, तो चारों अलग अलग हो गया। तो इसीलिए ये सब को समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, इशूड शेयर कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब्ड क्या है, फाइनली पेड अप क्या है। क्योंकि इसी से फाइनल पता लगेगा कि आपको जो पर शेयर डिविडेंड आएगा वो कितना है। कल को कैपिटल अगर बड़ी करनी है तो ऑथराइज शेयर कैपिटल में और जगह है कि नहीं, वापस दोबारा जाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अरे नॉर्मल एक आम निवेशक ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देता है कि उसको वाकई में क्लोजली ध्यान देना चाहिए कि कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, कितना इन्होंने इशू किया है, कितना और लीवी है कैपिटल रेज करने के लिए। देखिए, एक आम शेयर धारक दो तरीके से कमाता है। अगर किसी कंपनी में निवेश करता है, निवेश करके वो शेयर होल्डर बन जाता है, राइट। जब वो शेयर होल्डर बनता है तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल वाला जो कॉलम है जिसमें इक्विटी कैपिटल है उसका एक वो हिस्सा है जी। उसके कमाने के दो तरीके हैं। पहला, डिविडेंड के तौर पर। तो कंपनी जो भी कमाई कर रही है सब टैक्स वैक्स भरने के बाद जो मुनाफा बचता है वो शेयर होल्डर्स में बांटती है अगर कंपनी, तो वो डिविडेंड मिलता है। दूसरा, अगर शेयर लिस्टेड है, क्योंकि हम लिस्टेड वाली कंपनियों के लिए बात कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा समझ में आए जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दूसरा तरीका होता है कि उस शेयर के दाम बढ़े तो उन्हें कमाई होती है, कैपिटल अप्रिसिएशन जिसे बोलते हैं, आपके खरीदने के बाद शेयर का दाम बढ़े। अब दो चीज़ें, शेयर का दाम कब ज़्यादा बढ़ेगा, जब कंपनी ज़्यादा कमाई करे और कंपनी की कैपिटल कम हो, कम पैसों से ज़्यादा कमाई करें तो कंपनी के लिए फ़ायदे की बात होगी। और यही वजह है कि कम कैपिटल वाली कंपनियों में शेयर के दाम बढ़ते तेज़ी से हैं और उन पर ज़्यादा फायदा होता है। बड़ी कैपिटल वाली कंपनियों में मुश्किल भी आती है क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक यानी कि जो शेयर इशू किए वो बहुत होते हैं, तो उनको चलने में पसीना आता है। मसलन जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एक तरफ टाटा स्टील है, दोनों स्टील सेक्टर की कंपनियां हैं। अब टाटा स्टील सेल के मुकाबले में काफ़ी बड़ी कंपनी है लेकिन उनकी इक्विटी छोटी है। सेल ऐसे कंपेरेटिवली छोटी कंपनी लेकिन इक्विटी इतनी बड़ी कि उसे 1-2 रुपये चलने में पसीना आ जाता है, टाटा स्टील ऐसे भाग जाता है। तो पॉइंट ये है कि जहाँ कैपिटल छोटी है वहाँ पर रेशियोज बेहतर हो जाते हैं, उसकी बैलेंस शीट मजबूत हो जाती है, शेयर होल्डर्स के रिटर्न बनने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है क्योंकि कंपनी उन्हीं कम कैपिटल से ज़्यादा पैसा बना पा रही है। तो कैपिटल की को सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये पता चलता है आप जब कैपिटल वाला कॉलम देखते हैं बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में, पता लगता है कि जिन कंपनियों ने कम कैपिटल इशू किए उसे थोड़ा अच्छे तरीके से देखा जाता है कि ये इतने कम पैसे में पूरा बिजनेस चला रहे हैं। नेचुरल है, जैसे हम भी कोई बिजनेस करें, जितने कम पैसे से बिजनेस कर लें उतना बढ़िया है। सेम उसी तरह से अगर कोई कंपनी कम
कैपिटल से बिजनेस कर ले अच्छा है, लेकिन इसमें एक समस्या है कभी कभी वो होती है, वो ये कि कई बार क्या होता है कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईज हैं, बड़े बड़े विदेशी निवेशक हैं, वो चाहते हैं कि हम बड़ी इक्विटी खरीदें, हाँ। है ना, लेकिन अगर आपकी इक्विटी ही छोटी है, शेयर ही कम इशू किए हैं, तो उनकी लिक्विडिटी कम होती है। वो मैं इसी पे आने वाली थी, क्योंकि नॉर्मली जब आप हर रोज बाजार को देखते हैं, कुछ ऐसे शेयर होते हैं जहाँ पे बोलते हैं एक्शन तो है लेकिन लिक्विड कम है, राइट, फ्लोटिंग स्टॉक कम, फ्लोटिंग स्टॉक कम है। ओके, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल की बात हुई, लेकिन अगला फिर जाहिर तौर पर जो नेक्स्ट आप बैलेंस शीट में देखते हैं वो रिजर्व्स इन सरप्लस ही होता है। और इसमें एक चीज और है जो हमें बात करनी चाहिए, वो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ, कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में होता है कि बेसिकली देखिए है तो शेयर ही, लेकिन इनको एक चीज की प्रेफरेंस मिलती है जिसकी वजह से इन्हें प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है, और वो ये कि आपको दूसरे शेयर होल्डर के मुकाबले में डिविडेंड पहले मिलेगा, और जो डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है पहले से, 8%, 9%, 10% जो भी कंपनी फिक्स करे। देखिए कंपनी ने जो भी कमाया, मुनाफा किया, मुनाफे से आपने टैक्स वैक्स भर दिया, सब कुछ कर दिया, सारा मुनाफा करने कराने के बाद में जो बच गया शेयर होल्डर्स में बांटने के लिए, अब वो शेयर होल्डर्स में बांटने के लिए जो मुनाफा बचा उसमें पहला हक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है जी, और दूसरा हक होता है इक्विटी शेयर होल्डर का। लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले हक मिल रहा है, मुनाफा होना जरूरी है, मुनाफा नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो उनको सामने एक त्याग करना पड़ता है, और त्याग होता है वोटिंग राइट। और एक चीज इन्होंने जो पहले कही कि जो इक्विटी कैपिटल कम करने के भी तरीके होते हैं, जैसा आजकल हम बहुत देखते हैं कि बायबैक किया, तो वो बायबैक इज नथिंग बट रिड्यूसिंग द कैपिटल। तो जैसे ये बोल रहे थे कि अनिल जी की कम कैपिटल होनी चाहिए और ज्यादा कमाई होनी चाहिए, तो एक ये भी तरीका लोग आजकल यूज करते हैं। चले, तो ये पहला टॉपिक हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल का। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन रिजर्व्स इन सरप्लस इसे कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बैलेंस शीट में बात होती है कि कैश सरप्लस कितना है, रिजर्व्स कितने हैं, इसको भी समझना है, इसकी क्या अहमियत है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पहला कदम, और आज खास फोकस है बैलेंस शीट पर, और बैलेंस शीट पढ़ना क्यों जरूरी है, और जिसे जब आप इसे देखते हैं तो कंफ्यूज ना हो, लायबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, और इसके मायने क्या है जब आप खासकर बाजार में शेयर खरीदते हैं, किसी कंपनी का स्टॉक लेते हैं, इसी को हम डिटेल में समझ रहे हैं अनिल सिंघवी के साथ और अरुण ठुकराल के साथ। हमने पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को काफ़ी डिटेल में समझ लिया, रिजर्व्स इन सरप्लस की बात करते हैं, इसे कैसे समझना चाहिए, इसकी अहमियत क्या होती है एक आम निवेशक के लिए। देखिए जैसे कि नाम से ही पता लगता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो पूरा कंपनी का जब सब कुछ खर्चा हो गया तो फाइनली जो प्रॉफिट आए, प्रॉफिट में से जो डिविडेंड देना है वो भी दे दिया, तो जो बाकी पैसा बच गया वो उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर देते हैं। और इनको बोला जाता है शेयर होल्डर्स फंड, बिकॉज शेयर होल्डर फंड में एक तो कैपिटल हो गया और एक उसमें ऐड कर दीजिए तो रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। तो ये हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता, तो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो जिसके लिए आप रिजर्व एंड सरप्लस को यूज़ कर सकते हैं। और जनरली एक कंपनी की हेल्थ देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे जो रेशो निकाले जाते हैं उसमें भी ये शेयर होल्डर फंड देखे जाते हैं, कि अगर आप कोई भी रेशो आप निकालेंगे कि कंपनी की डेट सर्विस कैसी है, इंटरेस्ट सर्विस, तो वो शेयर होल्डर फंड कितने हैं, मतलब कंपनी कितनी इक्विटी, और क्योंकि इसके ऊपर कंपनी को कुछ ब्याज नहीं देना है, जो आप बोरो करोगे फंड उसके लिए तो आपको इंटरेस्ट देना है, बट ये तो खुद का पैसा है, तो कैपिटल प्लस शेयर होल्डर फंड जितना बढ़ता जाएगा रिजर्व्स में वो कंपनी बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। अनिल, नॉर्मली कई कंपनियां कहती हैं अपनी बैलेंस शीट में या फिर जब भी नतीजे आते हैं हमारे पास एक्स अमाउंट, एक्स हजार करोड़ रिजर्व पड़ा है, वो इसी कैटेगरी में आता है। हाँ, अब रिजर्व में भी क्या अलग अलग पर्पज है, आप इस रिजर्व का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, एक कैपिटल रिजर्व होता है, एक जनरल रिजर्व होता है, कुछ अलग स्पेसिफिक पर्पज से आपने रिजर्व बना दिया कि इस रिजर्व का इस्तेमाल हम इसी चीज़ के लिए करेंगे। और एक और चीज़ होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रिजर्व में। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए बन गया, सारे खर्चे वर्चे निकल के जो पैसा बचा, मतलब जो मुनाफा आया, अब वो मुनाफा बैलेंस शीट में कहीं तो जाएगा। मजे की बात है, ऐसे आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि मुनाफा मतलब तो हमारी एसेट्स है, लेकिन वो बैलेंस शीट में दिखता है लायबिलिटी में, और लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस कॉलम में दिखता है। और नॉर्मली हमारे लिए भी हमारे रिजर्व्स हमारे लिए एसेट होते हैं, राइट, जो आप कैश घर पे रखें या अकाउंट में रखें। हाँ, तो हमारे और कंपनी की बैलेंस शीट बनाने में ये फर्क है, वही अलग अलग बात। हाँ, तो किसी कंपनी का क्या है, कंपनी बैलेंस शीट बना रही है, कंपनी क्या कहती है लायबिलिटी क्या है, मुझे इक्विटी शेयर होल्डर को इतनी इक्विटी का पैसा देना है, मुझे रिजर्व सरप्लस में इतना रिजर्व जो मेरे पास पड़ा है वो शेयर होल्डर्स को देना है,
वैसा है, क्योंकि तो, ये सारे पे आउट होंगे, किसी हाँ, ना किसी को आगे पैसा जाएगा. एग्जैक्टली तो थोड़ा सा उस हिसाब से अलग है. तो जब हम बैलेंस शीट डिस्कस करें तो थोड़ा सा वो बेसिक्स भूल कर करें ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए. तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पैसा बचा है डिविडेंड वगैरह बांटने के बाद वो चले जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिजर्व सरप्लस के कॉलम में. अगर कई बार आपने देखा होगा ना कंपनी बोनस शेयर इशू करती है. बोनस शेयर क्या है? बोनस शेयर में कोई पैसा थोड़ी देना है. नहीं, कंपनी को शेयर ही तो एडिशनल इशू करना है. वो पैसा कहाँ से आता है? कहीं से नहीं आता. पैसे का कुछ काम ही नहीं, खाली एक बुक एंट्री होती है जी. उसमें क्या होता है, जब कंपनी बोनस इशू कर रही है शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, इशूड कैपिटल बढ़ जाएगी और रिजर्व्स में से पैसा कम हो जाए. कैपिटल रिजर्व जो बना रखा है कंपनी ने, जो कैपिटल रिजर्व में से बोनस इशू कर देती है, तो वहाँ से पैसा निकल जाता है और वहाँ चले जाता है. एक ही साइड में है, एक कॉलम में पैसा बढ़ गया, एक में घट गया और शेयर होल्डर शेयर होल्डर खुश हो जाता है, चलिए बोनस मिला है, बोनस मिला है ना. तो बुक स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है. लेकिन लेकिन रिजर्व की यही खासियत है कि कंपनी बोनस तभी इशू कर सकती है जब उसके पास रिजर्व में पैसा हो जी, नहीं तो बोनस इशू कैसे करेगी? बिना रिजर्व के आप बोनस नहीं दे सकते. इसका मतलब ये कि आपने पिछले सालों में बड़ा पैसा कमाया है, उस पैसे को डिविडेंड बांटने के बाद भी बचा के रखा है, वो पैसा आपके हाथ में है, तभी आप बोनस दे सकते हो. तो रिजर्व सरप्लस कॉलम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक ही चीज़ को लेकर है ना. वो कई बार आपने देखना होगा इस कंपनी के 10 साल पूरे हो रहे हैं, 50 पूरे हो रहे हैं, 100 पूरे हो रहे हैं, लोग है ना रिजर्व सरप्लस कॉलम में नज़र डालते हैं, मुंह में पानी आता है, यार कहीं बोनस तो नहीं दे रही, बोनस देने वाली है क्या? तो ये कॉलम खाली एक ही पर्पज से आपको ध्यान में रखना है, जितने ज़्यादा रिजर्व सरप्लस है उतना बोनस आने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है. तो ये एक चीज आप नॉर्मली जब किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट खोलेंगे उस पर ध्यान देना चाहिए, किसी भी दिग्गज या फिर छोटी कंपनी. हाँ, तो जैसे उन्होंने बोला बोनस शेयर का जो एक साइकोलॉजिकल लोगों को होता है कि पॉजिटिव होता है, तो कई बार वो पॉजिटिव दो वजह से होता है. एक तो उन्होंने बोला ये बुक एंट्री है, तो कायदे से देखा जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट क्या होता है कि उसमें एक डिविडेंड दिया जाता है, तो नाउ कंपनी हैज टू सर्विस द लार्जर इक्विटी, तो ज़्यादा शेयरों पे बोनस देना है. और कई बार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंपनी जो है वो डिविडेंड का रेट चेंज नहीं करती, तो फाइनली जो है शेयर होल्डर को फायदा होता है. अगर उसके पास 100 शेयर थे और 200 हो गए तो 200 के ऊपर उसको डिविडेंड मिलेगा और फाइनली कंपनी उसी लेवल पर आ जाती है. तो इस तरह से भी आ जाता है. और एक दूसरा फायदा जो होता है वो उनका फ्लोटिंग स्टॉक बढ़ जाता है जी. तो वो भी इन्वेस्टर बहुत पॉजिटिव तरीके से देखते हैं. okay, तो ये सब शेयर होल्डर फंड्स इसीलिए बहुत जरूरी है जी. चलिए, तो रिजर्व्स पर भी इसी लिहाज से आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये तय करता है कि आपको अगला बोनस मिलेगा या नहीं और कंपनी के पास वो पर्याप्त कैश है या नहीं अलग अलग चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए. अगला टॉपिक है सिक्योर्ड लोन्स. अब ये साधारण लोन की तरह ही पड़े या फिर इसको भी किसी अलग चश्मे से देखना होगा? आपने जैसे कहा ये सिक्योर्ड लोन है, मतलब आपने लोन तो ले लिया है बट आपने कुछ सिक्योरिटी दिया है उसका. तो इसके लिए इम्पोर्टेंस है कि आप किस तरह का सिक्योरिटी देंगे. और सिक्योर्ड लोन में ये भी फायदा होता है कि आपको जो है वो रेट अच्छा मिलता है, इंटरेस्ट रेट जो चार्ज कर रहा है आपसे बोरोहर वो कम करेगा. अनसिक्योर्ड लोन में ऑब्वियसली उसको ज़्यादा देना पड़ेगा. एंड सिक्योरिटी आप कुछ भी दे सकते हैं, आप अपना प्लांट एंड मशीनरी दे सकते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज विल गिव डिफरेंट काइंड ऑफ कोलेटरल्स. तो एक बैंकिंग इंडस्ट्री अगर लोन लेगी तो अलग देगी, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर लोन लेगी, तो सब अलग अलग इंडस्ट्री जो लोन लेंगी उनका सिक्योर्ड का एक पोर्टफोलियो होगा, सिक्योर्ड लोन का और अनसिक्योर्ड का. तो कंपनी को ये भी देखना है कि कितना आप सर्विस कर सकते हैं, कितना इंटरेस्ट दे सकते हैं और कितना, क्योंकि आपने जो कोलेटरल दे दिया फिर आप उसको यूज भी नहीं कर सकते, वो एसेट आपकी ईयर मार्क्ड हो गई. तो ये सब भी देखना है. बट हर कंपनी अपना प्लानिंग करती है, अपना उनका गेयरिंग देखने के लिए कि कितना डेट लेना है, डेट में फिर वो प्लान करते हैं कितना सिक्योर्ड लेना है, सिक्योरिटी देने के लिए उनके पास क्या है. तो ये सारा प्लानिंग कंपनी करती है, तो उसी हिसाब से आपको देखना चाहिए. बट सिक्योर्ड लोन इज सेफर फॉर द बोरोअर. So that is what you have to look at. अनिल, लेकिन एक निवेशक के लिहाज से स्पेशली इंफ्रा कंपनियों में इसकी काफी चर्चा होती है कि सिक्योर्ड लोन क्या और एसेट्स क्या, ये शायद गिरवी रख कर पैसे रेस कर रहे हैं. हाँ, तो एक आम शेयरधारक के लिए ये देखना जरूरी है कि भाई एक तो लोन कितना ले लिया और लोन के सामने सिक्योर्ड लोन में जो आपने एसेट दी, पहली बात अगर कि लोन बहुत ज्यादा ले रखा है और ज्यादा लेने के बाद सारी एसेट्स आपने उसके सामने रख दी तो फिर बचा क्या? अब आपके पास जगह नहीं बची और अगर कभी जरूरत पड़ जाए कर्ज की, और प्लस इसको इक्विटी के साथ मिला के देखते हैं जिससे पता चलता है डेट इक्विटी रेशियो क्या है, है ना, वो रेशियो में हम आगे बताएंगे. लेकिन आपके सामने कितना पैसा आपने पूंजी के तौर पर लगा रखा है और कितना पैसा आपने कर्ज के तौर पर ले रखा है, तो दोनों चीज़ों में बड़ा फर्क है ना. तो अगर कर्ज आपने ज़्यादा ले रखा है तो फिर थोड़ी सी वहाँ पर दिक्कत वाली, मतलब बैलेंस शीट आपकी कमजोर है. और पिछले कुछ दिनों में हमने ये जो एनपीए की क्राइसिस देखी है वो इसीलिए है क्योंकि लोगों ने जरूरत से ज्यादा कर्ज उठा लिया. तो आपकी ज्यादा लोन्स वोन्स हो, सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो,
जितने कम हो उतने बढ़ जाए, आम धारणा ये है। लेकिन एक चीज़ और इसमें समझना जरूरी है कि कई बार क्या होता है, लोग जीरो डेट कंपनी भी हुए, जीरो डेट कंपनी बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, कब, जबकि आप ऐसे माहौल में हो जब बहुत एनपीएस हो रहे हैं, बड़ी समस्या है, वो सेक्टर या वो इंडस्ट्री बड़े खराब दौर से गुजर रही है। लेकिन जीरो डेट आजकल एक स्टील जीरो डेट कंपनी होगी तो उसे स्टील जीरो डेट हुई, इंफ्रा जीरो डेट हुई तो, या पावर जीरो डेट हुई तो अच्छा, लेकिन जीरो डेट कंपनियां बहुत अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम आगे समझाएंगे, इक्विटी को सर्विस करना, इक्विटी शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करना कंपनी के लिए ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा महंगा काम है बजाय डेट को सर्विस करना। तो एक ऑप्टिमम डेट, थोड़ा कर्ज तो होना चाहिए क्योंकि कर्ज आपके लिए सस्ता पड़ता है इक्विटी के मुकाबले में। ये आपके लिए थोड़ी सी स्टार्टिंग में मुश्किल बात हो सकती है कि ऐसा कैसे बहुत सारे लोग लगते हैं इक्विटी में क्या शेयर इश्यू करके वापस थोड़ी देना है पैसा, कर्ज में तो वापस पैसा देना है, ब्याज भी देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप जो कंपनियां दोनों का प्रॉपर मिक्स रखती है वो कंपनियां अच्छी होती है, इसीलिए हम वो डेट इक्विटी रेशियो पर बार बार तवज्जो देते हैं, गियरिंग बोलते हैं उसको, क्योंकि अगर आपका लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हो तो इट मेक्स सेंस टू बोरो, अगर आप बोरो कर सकते हैं और आपका जो रिटर्न आप कमा रहे हैं वो उससे ज्यादा है तो बहुत सिंपल मैथ है, अगर आप जो बोरो कर रहे हैं उससे ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको गियरिंग करना है। बट जैसा अनिल जी ने बोला, एक लेवल तक, बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं है और बहुत कम भी अच्छा, और माहौल को देखकर कई लोग अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर भी कर लेते हैं। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, अनिल, करंट लायबिलिटीज में फिर क्या क्या आएगा, ये क्या वो हर तरह की पेमेंट होगी जो किसी बिजनेस को करनी है? हाँ, मतलब शॉर्ट टर्म में जो पेमेंट करना है, सपोज आपने किसी से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ उधार लिया, मतलब आपका गुड्स आया है, उस गुड्स के सामने पेमेंट करना है। कई बार होता है ना 30 दिन 60 दिन 90 दिन की आपको उधार मिलती है, आप आराम से पेमेंट करते हैं, वो हो गया। या फिर आपने कोई सपोज आपने कोई एयर कंडीशनर मेंटेनेंस के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है 31 मार्च को उसका टाइम होता, बेसिक खर्चे जो आपको देने बाकी हैं, जो आज नहीं तो आप कल दे देंगे, हफ्ते बाद दे देंगे, महीने भर बाद दे देंगे, या कुछ छोटे मोटे खर्चे बाकी पड़े हैं तो वो है। तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म वाला मामला है, वेंडर पे हाँ पे। मतलब कि हाँ, वैसा सिंपल चीज है कि भाई कोई एमसी के खर्चे, भाई आज जैसे मार्च तक का आपने दिया हुआ है, अब ड्यू हो गया लेकिन आप अप्रैल में देंगे, तो छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं बिजनेस चलाने के लिए वो इसमें आ जाते हैं, तो वो करंट लाइबिलिटीज है सिंपल। प्रोविजंस, हाँ प्रोविजंस में थोड़ा सा देखना होता है कि भाई आपको कुछ कुछ चीज़ों का प्रोविजन करना पड़ता है। जैसे आपने सरकार क्या कहती है, आपका साल तो खत्म होगा 31 मार्च को, लेकिन उसके पहले से आप अंदाजा लगाओ और एडवांस पे एडवांस टैक्स देना शुरू कर दो, उसके लिए प्रोविजन की जरूरत है। तो आपको उसके लिए प्रोविजनिंग की जरूरत होती है, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ सकता है, भले आप दे बाद में जब रिटर्न बना रहे कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको टैक्स की प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है, कुछ और दूसरी लाइबिलिटीज हो सकती है उनकी प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। तो वो प्रोविजंस, जनरली प्रोविजंस जो है वो लीगल तरीके से या स्टेचुरी तरीके से जो रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए की। तो बेसिकली प्रोविजन आप ये कहेंगे जो आप तैयारी कर रहे हैं आगे इफ एट ऑल कुछ पेमेंट, और बैंक में हम प्रोविजनिंग ज्यादा देखते हैं आजकल, तो वो दूसरी एक प्रोविजनिंग वो अलग एसेट्स के लिए जो प्रोविजनिंग कर रही है, जो आपको लग रहा है ये बैड डेट हो जाएंगे, तो जो एक स्टैंडर्ड रूल्स हैं उस रूल्स के हिसाब से अगर एसेट आपको लग रहा है खराब है तो उसके प्रोविजन है। इसके अलावा जैसे आपको एम्प्लॉयज को बोनस भी देना है तो उसका भी प्रोविजन अभी करना है ना, क्योंकि बोनस तो आपको ईयर एंड के बाद अप्रेजल होगा उसके बाद आप देंगे, बट आपको ईयर एंड खत्म होने से पहले ही उसका प्रोविजन करना है। तो कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो आपकी बाद में आने वाली है उसके लिए आपको प्रोविजन करना, जो पहले से तैयारी करनी है उसे प्रोविजन, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एसेट्स के लिए प्रोवाइड करना है तो वो एक नेगेटिव तरह देखा जाएगा, लेकिन अगर आपको बोनस के लिए प्रोविजन करना है तो अच्छी बात है, कंपनी के पास इतना पैसा है। या हम जैसे बैंक्स में या कई जगह पे बहुत सारे रिवॉर्ड रिकॉग्निशन प्रोग्राम होते हैं कि पूरे साल आपने सेल्स का कुछ कैंपेन चलाया लेकिन उसका जो रिकॉग्निशन इवेंट है वो नेक्स्ट ईयर में चला जाता है, तो उसके लिए प्रोविजन करना है, तो ये खर्चे हो गए। तो ये काफी तरह के छोटे छोटे प्रोविजन किए जा सकते हैं। चलो, तो ये बात हुई लायबिलिटीज की, हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बैलेंस शीट का एक बहुत अहम हिस्सा होता है एसेट्स, और एसेट्स में क्या क्या जाता है, एसेट्स में क्या कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, उस सब पर डिटेल में बात होगी, आप बने रहिए हमारे साथ। सीजन 3 में हम कुछ और डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं और आज खासकर बात हो रही है बैलेंस शीट एक कंपनी जब बनाती है उसमें क्या कुछ पढ़ना चाहिए, क्या आपके काम की बात है, खासकर एक निवेशक के तौर पर लायबिलिटीज क्या है ये हमने समझा, लेकिन अब फोकस करते हैं एसेट्स पर। और एसेट्स में ठुकराल साहब आप पहले बताइए, एसेट्स मतलब क्या, हर चीज जो कंपनी ओन करती है और इसमें सब कुछ आ जाएगा क्या, कंपनी का नाम, फैक्ट्री,
कंप्यूटर पेरिफेरल सब कुछ, एक्चुअली सब कुछ ही एसेट्स है, बट हम जो उसका क्लासिफिकेशन करते हैं प्राइमरीली फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में. तो मैं अगर फिक्स्ड एसेट की बात करूं तो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट हो गया उसका प्लांट एंड मशीनरी, किसी बैंक के लिए या आपके CNBC के लिए ये जो फर्नीचर है ये भी फिक्स्ड एसेट्स में आएगा. बट इसके अलावा बहुत सारी बाकी एसेट्स भी होती हैं, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं या सॉफ्टवेयर एसेट्स होती हैं, वो भी फिक्स्ड एसेट में आती हैं. आपके पास जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपके फिक्स्ड एसेट में आते हैं, बट जो कॉपीराइट्स हैं या जो पेटेंट्स हैं और जो गुडविल है, ये सब चीजें जो है ये दिखाई नहीं देती. बट आपने अगर कोई खर्चा किया है, आपने पेटेंट एक्वायर किया है, तो वो कॉस्ट को आप एसेट की तरह दिखाएंगे, क्योंकि वो आपका पेटेंट एसेट हो गया. ऐसे ही कॉपीराइट एसेट हो गया, ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट है वो गुडविल एक ये एसेट होती है. इसके अलावा काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो अभी कंप्लीट नहीं है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस दिखा जाते हैं, सो दैट इज आल्सो एसेट्स. तो ये फिक्स्ड एसेट काफी तरह से आप देख सकते हैं. ओके, अनिल, लेकिन एसेट्स को फिर निवेशकों को तवज्जो इस लिहाज से देना चाहिए कि कंपनी ने कितना नाम शोहरत कमाया है, कितने उनके हाथ में एसेट्स है, कौन सी नई फैक्ट्री लगाएंगे या फिर लगा चुके हैं, उस लिहाज से कितनी प्रोडक्टिव है और कितनी अनप्रोडक्टिव है, प्लांट एंड मशीनरी कितनी है. अब जैसे समझिए कोई कंपनी ऐसी है कि जिसने सैकड़ों एकड़ लैंड लेके रखी है और उस पर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ करना नहीं है और उसकी वैल्यू है बड़ी अच्छी खासी, इसका मतलब क्या है, आप पैसा बना रहे हैं, जो प्रॉफिट आ रहा है उससे आपने ज़मीन खरीद ली, अब उस पर कुछ रिटर्न तो आता नहीं है, प्राइस जब बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है ना. तो आपको ये भी देखना है कि कंपनी की एसेट्स जो है वो कहाँ पर हैं, किन चीज़ों में उन्होंने निवेश किया, क्या बिजनेस में है, प्लस प्लांट एंड मशीनरी में है तो ये प्लांट एंड मशीनरी कितनी पुरानी हो गई, क्या वापस ज़रूरत पड़ेगी नई लगाने की, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखनी होती है. इसलिए ये समझना जरूरी है कि किस किस चीज़ों में कहाँ कहाँ रखी हुई है. ये तो क्या जो सामने दिखती है कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गए, आपके व्हीकल्स हो गए, हाँ इनको भी फिक्स एसेट माना जाता है, भले वो चलते फिरते हैं लेकिन व्हीकल्स को फिक्स एसेट में मानते हैं. ओके, लेकिन एक है जो गुडविल, अगर कोई कंपनी बहुत पुरानी है, उनकी साख है बाज़ार में, उनके प्रोडक्ट्स की अच्छी वैल्यू है, उन्होंने कुछ कॉपीराइट पेटेंट इस तरह के कर रखे हैं, तो उनकी वो अपने उसकी वैल्यू करवा के, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करने वाले लोग होते हैं वो उसको भी अपने इसमें रख सकते हैं, और उस वो जो उसके सामने जो एंट्री होगी ना वो रिजर्व्स में चली जाती है, ठीक है, ताकि आपकी इतनी गुडविल है. क्योंकि सपोज आज रिन है, अब रिन ब्रांड है तो रिन के अपने ब्रांड है, तो अगर उसका एक वैल्यूएशन कराएं, क्योंकि ब्रांड बनाने में भी बहुत पैसा खर्च होता है, तो उस तरह से आप कंपनी की एक गुडविल की भी एक वैल्यूएशन करा सकते हैं और रख सकते हैं. तो इसलिए इंपॉर्टेंस यही है कि जो फिक्स एसेट्स हैं उनमें आप ये ध्यान में रखें वो एसेट्स कहाँ कहाँ पर हैं. ओके, फिर इसके साथ फिर आप इन्वेस्टमेंट्स को भी जोड़कर देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स में फिर आप क्या गिनेंगे, जो आपने ज़मीन खरीदी उसे फिक्स्ड एसेट के तौर पर ही देखेंगे या फिर आगे निवेश के तौर पर देखिए. अगर ज़मीन उन्होंने इसलिए खरीदी कि आगे चल के एक्सपांशन करेंगे, तब तो वो चले जाएगा फिक्स एसेट में. अगर लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए खरीदी लेके रख लो, पड़ा है पैसा इसलिए, तो वो इन्वेस्टमेंट में चले जाता है. तो दूसरा ये कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में कहीं पैसा लगाया है या कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं या फिर बॉन्ड्स वगैरह में कहीं पैसा लगाया है, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स में आ जाएंगे. तो इन्वेस्टमेंट्स में एक चीज़ देखनी ज़रूरी है, वो ये कि और स्पेशली जैसे कुछ कुछ तरह की कंपनियाँ, जैसे IT कंपनियाँ, अब IT कंपनियों की क्या है, खर्चा क्या है, खाली सैलरी का है, ठीक है, उन्हें कोई बड़ी प्लांट मशीनरी तो खरीदनी, कंप्यूटर का छोटा मोटा खर्चा है, सिस्टम्स का. अब उनके पास बहुत पैसा होता है, अब वो पैसा जो बच जाता है वो क्या कर रहे हैं, वो बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में कहीं लगा के रखते हैं, शॉर्ट टर्म FD में लगा के रखते हैं. तो FD में जो कमाई होगी वो तो होगी बहुत कम, जो कंपनी कमा रही इक्विटी पे, तो उस पैसे से वो जो बैंक में पड़ा हुआ है, लिक्विड पैसा पड़ा हुआ है या छोटे मोटे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे आगे करेंगे क्या, उससे बेच के कोई दूसरी कंपनी एक्वायर करेंगे या अपना बिजनेस एक्सपांशन करेंगे. तो इसलिए जरूरत से ज़्यादा कैश होना, जरूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना ठीक नहीं, क्योंकि कंपनी का काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, उनका काम अपने प्लांट मशीनरी चलाना, अपना बिजनेस करना, बिजनेस से पैसा कमाना. मुझे इसे एक एग्जांपल के साथ समझाइए. इन्फो एज, हम सब जानते हैं इन्फो एज जो 99 acres वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, इन्होंने जोमैटो में निवेश किया, राइट, वो इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर देखा जाएगा, बिल्कुल वो इन्वेस्टमेंट है, और अगर लंबे समय के लिए किया तो उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि बोला कि उनके पास पैसा है तो वो कहीं तो डालेंगे, वो किसी को लोन भी दे सकते थे, कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे, कहीं म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते थे, तो ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है. और ये इन्वेस्टमेंट एक बेटर इन्वेस्टमेंट इसीलिए है कि इन्होंने एक दूसरे बिजनेस पे कॉल लिया है कि अगर वो बिजनेस अच्छा करेगा तो इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सो इट इज स्लाइटली बेटर इन्वेस्टमेंट देन जस्ट कीपिंग मनी इन द बैंक. इसके अलावा बैलेंस शीट में एक और जो रह जाता है राइट हैंड साइड में, दो छोटे पार्ट है, करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस. करंट एसेट्स मतलब क्लियर कट है, अगर आपने किसी को उधार माल बेचा हुआ है उसका पैसा आना बाकी है,
तो कितने डेटर्स हैं, और जब आप बैलेंस शीट देखते हो जितने डेटर कम हो, जितने लोगों से कम उधार लेना हो वो अच्छी बात है, तो सिंपल उसको भी वैसे ही देखिए। कैश बैलेंसेस वगैरह क्या है, स्टॉक इन हैंड क्या है, अगर कंपनी कोई ऐसा काम कर रही है तो उनके स्टॉक्स पड़ा रहता है उसकी वैल्यू आ जाती है, कैश और बैंक बैलेंसेस की वैल्यू आ जाती है। तो ये हो गया आपकी करंट एसेट्स छोटे समय के लिए कि आगे पीछे थोड़े समय में आपको मिलने वाली है। लेकिन साथ ही अगर आपने किसी को एडवांस पैसे दिए हैं तो एडवांस पैसे भी इसमें आ जाएंगे। कई बार होता है कि आपको एडवांस पैसे देके चीज़ खरीदनी होती है, वो कंपनियों के लिए भी हो सकता है। तो एडवांस अगर आपका पैसा है या कोई आपको किसी चीज़ का पैसा आना बाकी है वो भी इधर दिखा देते हैं। तो ये सारी चीज़ करंट एसेट्स लाइबिलिटीज और प्रोविजंस में आ जाता है। okay. वो एसेट साइड में आता है। एक आखिरी है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि कई चीज़ें ऐसी होती है कि कोई प्लांट शुरू होने के पहले आप खर्चे वगैरह करते हैं, और वो प्लांट शुरू हो जाने के बाद या वो एसेट बन जाने के बाद उन खर्चों को आप धीरे धीरे हर साल कम करते जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के। तो वो एक हेड में एक खर्चा दिखता है प्रिलिमिनरी, लेकिन उसको दिखाया जाता है एसेट्स। चलिए यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के बाद डिटेल में चर्चा करेंगे करंट एसेट्स की भी। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।